हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम क्लास 9 का चैप्टर पढ़ेंगे केमिस्ट्री में मैटर। तो हमें ये पता करना है पहले मैटर क्या होता है। तो एनीथिंग जो भी हमारे आसपास की चीजें हैं वो सभी मैटर होती हैं। कैसी चीजें? जिनमें कोई मास हो या जिनका कोई वेट होता हो और वो एक स्पेस भी घेरती हो, यानी कोई स्पेस वो ऑक्यूपाई करती हो, तो सब मैटर बोलते हैं। सपोज करो मेरी टी शर्ट है, ये एक मैटर है। भी कोई तो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है ना। कैमरा क्या? एक मैटर है। अगर हम लाइट बल्ब की बात करते हैं तो एक मैटर है। देख, कुछ चीजें हमारे सराउंडिंग में ऐसी भी हैं जो मैटर नहीं है। जैसे क्या है, सपोज करो आपकी शैडो फॉर्म होती है, तो शैडो फॉर्म आपकी क्या है? शैडो आपकी फॉर्म होती है लेकिन उसका कोई मास नहीं होता है, तो वो मैटर नहीं है। बात करते हैं हम लाइट की। लाइट, मैं बल्ब की बात नहीं कर रहा, बल्ब से जो लाइट रेज निकलती है उनमें भी मास नहीं होता है और वो भी आपकी स्पेस ऑक्यूपाई नहीं कर रही है। ऐसा नहीं है कि आपने लाइट कहीं रख दी तो उस जगह आप घुस ही नहीं सकते। इस कमरे में लाइट है, कमरा लाइट से भर गया और हम इसमें एंटर नहीं कर सकते, ऐसा भी नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि जो लाइट है, शैडो है, ये सबको स्पेस में हम मैटर में काउंट नहीं करते हैं। लेकिन अगर हम अपने आसपास की चीजें देखें, जैसे लाइट बोर्ड, कंप्यूटर, बैग, टेबल, एयर, वाटर, फैन, चेयर, ये सभी क्या होती है? मैटर में होती है। अब मैटर जो जनरली आप फिजिकल स्टेट में देखते हो वो तीन तरह का होता है। हालांकि उसके पांच तरह का दो चीजें और भी होती है, लेकिन हम प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट नहीं पढ़ेंगे, हम केवल तीन फॉर्म में पढ़ेंगे। पहली फॉर्म होती है सॉलिड, सेकंड होती है लिक्विड और थर्ड होती है गैस। और एक बार क्वेश्चन ये भी आता है कि ऐसा कौन सा नेचुरल कंपाउंड है जो नेचुरली तीनों स्टेट में मिलता है। तो वाटर एक ऐसा है नेचुरली जो नेचुरली तीनों स्टेट में मिलता है। अगर आप वाटर को अपने घर में देखो नल में तो लिक्विड फॉर्म में, अगर आप फ्रिज में देखते हो तो फ्रिज में तो आपने ठंडा किया है, लेकिन अगर आप ग्लेशियर में जाते हो या फिर आप पहाड़ों में जाते हो ज्यादा ऊपर हाइट पे, तो वहां आपको आइस की फॉर्म में मिलेगा। और गर्मी के सीजन में आप देखते हो कि वेपराइज हो गए, आपके कपड़े आप डाल देते हो सूखने के लिए तो वेपराइज होकर चला जाता है, यानी कि वो स्टीम में कन्वर्ट होकर चला जाता है, तो आपकी गैसियस फॉर्म हो जाती है। तो अगर हम सॉलिड की बात करें कि सॉलिड क्या होता है, तो सॉलिड को अगर हम डिफाइन करें, तो अगर सपोज करो आपके पास कोई ये सॉलिड है, मैं सॉलिड की बात कर रहा हूं, तो दे हैव डेफिनेट शेप एंड डिफाइन वॉल्यूम। तो डेफिनेट शेप का मतलब ये है कि इसकी जो शेप होती है वो फिक्स होती है। आप शेप चेंज कर सकते हैं लेकिन अपने आप चेंज नहीं होती है। सपोज करो आपके पास कोई ईटा रखा हुआ है, मैंने ब्रिक्स लगा रहा, दीवार में ईटे लगती है, तो ईट क्या होती है? आपने देखा डेफिनेट शेप होती है। ऐसा तो नहीं होता ना कि ईट आज आपने रखी, कल आप देख रहे हैं आपने देखा तो बॉल बन गई, परसों आप देख रहे हैं आपने देखा रहे तो कौन शेप में आ गई, ऐसा नहीं होता है। यानी इनकी डेफिनेट और फिक्स शेप है। जब तक कि आप इनमें फोर्स अप्लाई ना करें या फिर ऊपर केमिकल रिएक्शन ना करें या फिर हीट अप्लाई ना करें, तो आप इनकी शेप चेंज नहीं कर सकते हैं। ये अपनी नेचुरली अपनी फिक्स शेप में रहेगी, शेप चेंज नहीं करती है। अब ऐसा क्यों होता है कि शेप चेंज नहीं करते हैं जबकि और चीजें शेप चेंज करती है? तो इसलिए होता है कि इसके अंदर की जो मॉलिक्यूल्स है यानी जो एटम है वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा क्लोजली अटैच होते हैं। मॉलिक्यूल क्लोजली अटैच होने का मतलब ये है कि अगर इसके दो मॉलिक्यूल की बात करें तो इनके बीच में जो फोर्स होगा, इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स होगा, हाँ जी, हाँ, तो स्टूडेंट क्या पढ़ रहे थे कि जो मॉलिक्यूल्स होंगे इसके मॉलिक्यूल के बीच में इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स यानी कि एक दूसरे को जो अट्रैक्ट करने की पावर है वो बहुत ज्यादा है। यानी इसके जो मॉलिक्यूल है एक दूसरे के साथ बहुत ही फोर्स या मजबूती के साथ जुड़े हुए होते हैं, आप इजिली अलग नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि आपने घर पे गए और ईटा लिया ऐसे तोड़ दिया। हालांकि बादल ऐसा कर सकता है, आपकी क्लास में बादल बहुत ही अच्छा लड़का है, ऐसे वो ब्रिक्स को ऐसे तोड़ देगा, पर अर्जुन तिवारी भी कर सकता है, आप लोग ऐसा मत करना, ये दोनों पहलवान है। तो अभी मैं कह रहा हूं कि दो जो आपके पास मॉलिक्यूल है और मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्ट करने का मतलब क्या है कि दोनों मॉलिक्यूल के बीच में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स है और एक दूसरे को हाईली अट्रैक्ट कर रहे हैं और एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते। तो इससे क्या होगा, सारे मॉलिक्यूल पास 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 आ जाएंगे। सारे मॉलिक्यूल पास पास होंगे तो इसका मतलब है कि एक सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा, ये पूरा टाइट पैक हो जाएगा, सॉलिड फॉर्म में आ गया। तो इसका मतलब इसकी जो सेफ हुई डेफिनेटली मिनिमम इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस। मैं आपसे कह रहा हूं कि इसके जो मॉलिक्यूल के बीच में हायर ज्यादा फोर्स होता है तो मॉलिक्यूलर पास पास आ जाते हैं। इसका मतलब है इन दो मॉलिक्यूल के बीच में स्पेस बहुत कम, ना के बराबर, और कई बार ना के बराबर होता है। हम केमिस्ट्री में आगे जब आप बहुत आगे जाके पढ़ोगे एमएससी वगैरह में, तब हो सकता है आपकी थोड़ा बहुत स्पेस पड़ पाओ मॉलिक्यूल के बीच में, तभी तो आप यही पढ़ेंगे मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस नहीं होता है। यानी इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स बहुत, स्पेस बहुत कम है। मैक्सिमम इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स, ये आपको बता चुका हूं कि सॉलिड के जो एटम होते हैं एक दूसरे को हाईली अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए ये सॉलिड फॉर्म में होता है और
फोर्स ज्यादा होता है। नेक्स्ट आता है कि डेफिनेट वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम फिक्स होता है। सपोज करो आपके पास एक बॉल है, सपोज करते हैं आपके पास एक बॉल है और बॉल का कुछ रेडियस है और आपने 4πr² है, आपने फॉर्मूला लगाया 4πr² सॉरी 4/3πr³, आपने इसका वॉल्यूम कैलकुलेट कर लिया। सपोज करो कोई स्टूडेंट आया, उसने कहा नहीं नहीं मेरे को पसंद नहीं आ रहा है, उसने क्या किया उसको कन्वर्ट कर दिया सिलेंडर में, इसको मेल्ट करके एक सिलेंडर में कन्वर्ट कर दिया, तो सिलेंडर का होता है πr². अगर आप इसका वॉल्यूम निकालें इसका वॉल्यूम निकालें तो वॉल्यूम सेम आएगा, यानी वॉल्यूम चेंज नहीं होता है। जितना मेटल इसमें लगा था उतना ही मेटल इसमें होगा, ऐसा नहीं कि मेटल कम या ज्यादा हो जाएगा। तो नेक्स्ट अगर हम बात कर रहे हैं हमारे पास लिक्विड, तो लिक्विड की आपको पता है शेप फिक्स नहीं होती है, इसको जैसे भी वेसल है जैसे भी कंटेनर में डालोगे वैसे शेप ले लेता है। सपोज करो आपके पास 1 लीटर पानी है, आपने उसे किसी रोड से पाइप में भरा तो रोड की शेप में आ जाएगा, आपने थाली में भरा तो क्या होगा डिस्क की शेप में आ जाएगा, आप किसी बाउल में भरते हो तो क्या होगा आपका हेमिस्फीयर की फॉर्म में आ जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि लिक्विड अपनी जो शेप है वो खुद की शेप नहीं होती है, वो डिपेंड करता है कि कैसे वेसल में आप उसको डाल रहे हो, तो जैसे वेसल की शेप होगी उसके अकॉर्डिंग वो शेप ले लेता है। लेकिन हाँ उसका वॉल्यूम फिक्स होता है, ऐसा नहीं होगा सपोज करो आपके पास 1 लीटर पानी है, आपने क्या किया इसको एक दूसरे बर्तन में डाल दिया, तो ऐसा नहीं है कि आपको 1.5 लीटर या 0.75 लीटर हो जाएगा, यानी इसका वॉल्यूम चेंज नहीं होता है, केवल शेप चेंज होती है, वॉल्यूम फिक्स होता है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि मॉडरेट इंटर मोलिकुलर स्पेस, तो मॉडरेट कहने का मतलब ये है कि जो आपके वॉटर के मोलिक्यूल है एक दूसरे थोड़े दूर दूर होते हैं, थोड़े दूर दूर होने की वजह से इसलिए ही आपका वॉटर लिक्विड फॉर्म में है, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे जगह ट्रांसफर हो सकते हैं, घूमते फिरते रहते हैं, और इसलिए क्या होगा कि आपका लिक्विड फॉर्म में होता है। अगर हम बात करें इसके इंटरमोलिकुलर फोर्स की, अब इसके मॉलिक्यूल ट्रेवल कर पा रहे हैं, इसका मतलब टाइटली पैक्ड नहीं है, तो टाइटली पैक्ड नहीं है तो इसका मतलब यह है कि इंट्रामोलिकुलर फोर्स कम है, यानी सॉलिड से कम है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं है, अगर नहीं होता तो मॉलिक्यूल निकल के कूद के भाग जाते हैं यहां से, तो ऐसा नहीं हो रहा है कि वो डब्बे से आपका पानी निकल निकल के भाग जाता हो, ऐसा नहीं है, इसका मतलब यह कि इंट्रामोलिकुलर फोर्स कम है लेकिन है। अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, थर्ड है हमारे पास गैस, तो गैस की शेप कैसी होती है, गैस की कोई शेप नहीं होती है। अगर सपोज करो आपके पास जैसे सिलेंडर है घर पे, तो सिलेंडर में सपोज करो आपने 10 लीटर गैस भरवाई, तो अभी वो सिलेंडर की फॉर्म में, अगर मान के चलो सर सिलेंडर में भरवा के एक आप गोल सिलेंडर में भरवाते तो गोल शेप में आ जाता, अगर आप सिलिंड्रिकल शेप में सिलिंड्रिकल में आ जाता, तो जैसी भी शेप आप गैस को भरते हैं गैस वैसी शेप चेंज कर लेती है, इसका मतलब है गैस की कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होती है। नेक्स्ट बात यह आती है कि चलो डेफिनेट शेप तो नहीं होती, अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम डेफिनेट होता है या नहीं, तो वॉल्यूम भी इसका डेफिनेट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, सपोज करो आपके पास अभी एक परफ्यूम है, तो परफ्यूम क्या है इसके अंदर भरा हुआ है 100 ml परफ्यूम, और 100 ml परफ्यूम को अगर आप स्प्रे कर दें तो उसके मॉलिक्यूल्स पूरे रूम में फैल जाएंगे, इसका मतलब ये है कि अब उसका वॉल्यूम पूरे रूम के बराबर हो गया, पूरे रूम में उसके चारों तरफ परफ्यूम फैली हुई है, तो इसका मतलब ये है कि उसके मॉलिक्यूल एक दूसरे दूर दूर भाग जाते हैं, तो वो अपना वॉल्यूम ज्यादा हो जाता है, कंप्रेस करोगे कम हो जाएगा, और कंप्रेस कर उसके ऊपर से प्रेशर रिलीज कर दोगे तो वॉल्यूम उसका ज्यादा हो जाएगा, तो इसलिए इसकी कोई फिक्स शेप भी नहीं है और फिक्स वॉल्यूम भी नहीं होता है। इसके बाद बात करते हैं इंट्रामोलिकुलर फोर्स, अब इसके मॉलिक्यूल जब एक दूसरे से इतनी दूर दूर भाग रहे हैं इसका मतलब है कि स्पेस बहुत ज्यादा है। सेकंड चीज क्या होगी कि इसके बीच में मॉलिक्यूल्स के बीच में इंट्रामोलिकुलर फोर्स कम है इसलिए वो दूर दूर जा पा रहे हैं। थर्ड ये होगा कि जब इसके मॉलिक्यूल दूर दूर भाग सकते हैं इसका मतलब है कि हम इसको कंप्रेस कर सकते हैं, और आपने पढ़ा होगा सीएनजी क्या है, कंप्रेस नेचुरल गैस ही तो है, यानी आपके घर में जो सिलेंडर होता है उसमें तो गैस कंप्रेस करके ही भर जाती है, इसका मतलब इंट्रामोलिकुलर फोर्स ज्यादा, इंट्रामोलिकुलर फोर्स कम होना और स्पेस ज्यादा होने की वजह से हम इसको कंप्रेस कर सकते हैं। तो आज स्टूडेंट हम इतना ही पढ़ेंगे इस वीडियो में, ये फर्स्ट पार्ट था।